left, 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 right, left, 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 right, left, 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 right. ये क्या तरीका है? हम क्या दिखाई नहीं दे रहे क्या तुमको? मैनर्स नहीं है तुम्हें? एक्सक्यूज मी मैडम, इज्जत मिल गई सरसों के तेल में है? तो यहाँ के भजने आया तू? ब्रेड रोल, कचौड़ी या पकोड़े? पकोड़े मैडम, पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, वो भी पालक के। मुंह में पानी आ जाता है पालक के। देखे देखे देखे, मेरा राजमा फेमस है। और मैडम बैंगन के पकोड़े तो मैं इतने झर्राटेदार फर्राटेदार बनाती हूँ कि पूछो मत, मेरा राजमा फेमस है। तो ढाबा खोल ले। या ब्रो, व्हाट इज द मैटर? इज द, क्या तुमने दे दिया है इनको लव लेटर? इज द दादाजी, मैं इनको लव लेटर क्यों दूं? पर मैं इनको लव लेटर दे ही नहीं सकता, मैं किसी को लव लेटर नहीं दे सकता। हाँ, क्यों नहीं दे सकते यार? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? देखिए मैडम, बात यह है कि बात से पहले मुलाकात। या यानी इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम मैं टेबल हूँ। कौन से टेबल यार? डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल? टेबल नहीं नहीं भाई साहब, मेरा नाम है टेबल टंडन। ये कैसा नाम है टेबल? अब आप बोलेंगे कि आपके मम्मी का नाम कुर्सी है, डैडी का नाम पलंग है। अरे वाह दोस्त वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मैडम। मेरे डैडी का नाम पलंग है और मम्मी का नाम कुर्सी है। और ये जो है ना वो मेरा भाई है, स्टूल है इसका नाम। और ये है मेरी वाइफ, अलमारी। दरअसल मैडम बात ये है कि हमारे जो पिताजी थे ना, उनको फर्नीचर से बहुत प्यार था, इसलिए हम सबका नाम फर्नीचर के नाम पे रखा है। सीना फुला के आया हूँ। क्यों फूल गया सीना? मैडम मैं बता रही हूँ, वो क्या है ना मैडम कि कल रात को हमने राजमा बनाए और हम सब राजमा खा के सो गए। मैडम मेरा राजमा फेमस है। क्या बात कर रहे हैं भाभी जी, आपने राजमा बनाया? मतलब कौन सा, वो पतली वाली ग्रेवी में बनाया वो, या वो गाढ़े मसाले में? और ऊपर से आपने वो धनिया की पत्ती तो डाली होगी कि वो डालने के बाद? तू बैठ जा राजमा वाले प्रेशर कुकर में, तू उसमें मैं दो सीटी लगा दूं तो सारी चर्बी गल जाएगी थोड़ी। सॉरी सॉरी मैडम, बस वो राजमा का नाम सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए सॉरी। मैं बताता हूँ मैडम, ये देखिए मैडम, ये पायजामा मैडम, इसे किसी ने फाड़ दिया। देखिए ना मैडम, एक्चुअली बात ये हुई मैडम कि कल मैंने ये पायजामा सुखाने के लिए डाला था, वातावरण में नमी थी और धूप की सख्त कमी थी, इसलिए मैंने ये पायजामा धोया कलफ लगा के और इसे सुखाया बल्ब लगा के। मैडम इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। मैं क्या कह रही हूँ, वो जो चिटपुड़ियागंज में राबरी का केस है ना, बैंक लूटा गया है, उसे भूल जा, वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ? हाँ? और वो जो खुराना साहब के बेटे का किडनैप हुआ है, उनको फोन लगा के अभी बोलो कि हम पजामे का केस सॉल्व करने में व्यस्त हैं फटे वाले का। एक मिनट मैडम, मैडम ये कोई ऐसा वैसा पजामा ना है, ये इनका खानदानी पजामा है जिसे पहन के इन्हें एक बारात में जाना है, अब ये फट गया। मेरा राजमा फेमस है। हाँ तो मत जाओ बारात में। मैडम प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना। देखिए आपके जो आईजी साहब है ना, वो भी मेरे खास स्पेशली फैमिली फ्रेंड्स है। प्लीज मैडम, इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे साफ पता लग रही से देख के कि किसी ने अपने लंबे नाखून से जो है से चीर दिया। हाँ तो है ना मैडम, चुन्नी के नाखून बहुत लंबे हैं। मेरा राजमा फेमस है। Well, हुदा हीदा चुन्नी इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था मुन्नी इज़दा, मैं था उसका मुन्ना इज़दा, हम साथ गाते थे टुन्ना टुन्ना इज़दा। Get out. Cheers. Cheers. Sorry. 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 मैडम चुन्नी हमारा पड़ोसी है और मुझे लगता है इस कांड में वो दोषी है। बुलवाओ चुन्नी ने।
क्यों बे, क्यों बुलवाया यहाँ? तू आ रहा है इसका पड़ोसी चुन्नी। जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ चुन्नी। अक्सर होती है मेरी इसकी कहा सुननी। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? अबे थारी तो मन्ने जो है शख्सियत पे ही डॉट चल रहा है। और देखो यार, ये जो तुम्हारा पड़ोसी है इसने हमें बताया। देखिए मैं ये बात बाद में सुनूंगा, पहले आप अपने बाल ठीक कीजिए। इस तरह से बिखरे हुए बाल रखता है क्या कोई? हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? Well, तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे खिलाफ लिखाया है शिकायत नामा इज्दा कि तुमने अपने नखों से फाड़ा है इसका पजामा इज्दा। हाँ, क्योंकि आपके जानवरों की तरह नाखून है। इस बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम अपने कॉलर ठीक करो। इस तरह से कोई कॉलर खड़े रखता है क्या? अबे तू यहाँ जाना, हमारे हवलदारों से यहाँ मॉडलिंग करवा ले, फैशन करवा ले तू। मैडम मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये चुन्नी नहीं, मेरा ये खानदानी पायजामा फाड़ दिया है जो मेरे डैडी लेकर आए थे देहरादून से। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। झूठ है, इल्जाम है मैडम, ये झूठ है मैडम। आप ही सोचिए मैडम, आप देखिए इसका पजामा देखिए मैडम, और आप मेरे नाखून देखिए मैडम। मैडम आपको शायद पता होगा कि नाखून जितने लंबे होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उतने नाजुक भी होते हैं। आपकी तरह? मैडम अगर मैंने इसके पजामे को बेदर्दी से फाड़ा होता तो मेरे नाखून टूट चुके होते। लेकिन ये देखिए, ये चुन्नी का एक एक नाखून सलामत है। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? हालात बहुत बिगड़ गए हैं जी, मेरे हाथ से कोई रुपए छीन के भाग गया जी। अबे तो तू के मारा 5 साल का बालक हो जा, रोंदड़ू हो रहा है यहाँ पे। अबे तो पुलिस में जाके हालात सुधार। हाँ भाई, और तुम्हारा घर कहाँ से गया? मैडम मैं बताता हूँ, वो अबड़ खबड़ जो जंगल है ना, हमारी कॉलोनी बिल्कुल उससे सटके है, थोड़ा हटके है। इज्जत मिल गई सरसों के तेल में। अबे क्या बोला बे, अबड़ खबड़ जंगल? उस जंगल में तो बड़े खतरनाक जानवर घूमते हैं। सर ये बात आपको कैसे पता है? सर उस जंगल में हमें एक बार एक बंदर ने दौड़ा लिया था। अबे वो छोटा मोटा बंदर नहीं था बे, बड़ा आदमी के साइज का बंदर था, वरना हम तो खेलते ना छोटे बंदर के साथ। तो फिर हो सके यो काम भी किसी जानवर का हो। हाँ हाँ मैडम, मुझे भी अभी अभी याद आया कि मैंने भी एक बार उस जंगल की तरफ एक किसी तरह के जानवर को देखा था। काफी दूर से देखा था इसलिए क्लियरली नहीं देख पाया। उसकी शक्ल तो जानवर की थी मैडम, लेकिन शरीर इंसान का। कटरीना फेल, करीना आउट। मेरी ब्यूटी पे है कोई डाउट? बे वेल, वो कहीं है तो नहीं मंकी मैन इज़दा, जिसे बनाना था गर्लफ्रेंड, वो राखी बांध के बन गई हो बहन इज़दा। एक मिनट, कुछ टाइम पहले दिल्ली में भी तो हुआ था कोई मंकी मैन का कांड। आए, आए। हो सकता है यो भी कुछ ऐसा ही हो। ठीक है गोपी, गुलगुले बिल्लू, तुम तीनों जाओ आज अबड़ खबड़ जंगल, जाके देखो कौन हो रहा मंकी मैन, हो रहा कौन है। नहीं ललित बाबू नहीं, आपको मेरे पेट में पल रहे रमन की कसम, अगर आपने यहाँ से जाने का नाम भी लिया तो मैं इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। यही कहा था ना मेरी बहन मुनिया ने तुझसे, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी और तू चला गया और मुनिया छोड़ गई दुनिया। अब देख मैं तुझसे कैसे बदला लेता हूँ बेशरम बे। सर कुछ हुआ था क्या? सर ने तेरी बहन मुनिया को धोखा दिया था। कौन मुनिया?
पापा, जंगल किस तरफ है? जंगल चारों तरफ है, लेकिन इस जंगल की तरफ मत जाना। Why is the? क्योंकि इस जंगल में वो है। ये क्या बोल के चला गया यार? हम जंगल में जाएं या लौट चलते हैं? Well, अगर मॉम को पता चल गया हमने सही से नहीं निभाई ड्यूटी इज द, तो समझो हमारी हड्डियां टूटी इज द। गुलगुले जी, जब हम इतने दूर आ गए तो थोड़ी दूर और चल लेते हैं, क्या पता वो मंकी मैन हमें मिल जाए। और अगर वो मिल गया ना तो मैं तो तू क्या तो मैं तो तू क्या तो मैं तुरंत भाग लूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ भाग लें। अभी तू चल यार, चल। कैसी बातें करता है यार तू? चलो चलो, एक मिनट। हाय हाय, जा जा, मेरे को काम दिखाई देता है रात को। आसपास ही है लग रहा है। वेल, काफी अंधेरा है। रात है गोपी। सॉरी। खड्डा है। भैया ऐसे मत करो, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। सेम हियर। आओ आओ आओ। मैडम वो कोई मंकी मैन नहीं है, वो भेड़िया मैन है मैडम, वो भेड़िया पुरुष है। मतलब जंगल में वेयरवुल्फ घूम रहा? वेयरवुल्फ जंगल में वेयरवुल्फ यानी वुल्फ मैन घूम रहा है यार, ऐसा कैसे हो सके? लेकिन अरे मैडम क्यों नहीं हो सकता है, बचपन से सुनते आए हैं वुल्फ मैन होते हैं ना, वुल्फ मैन तो होते हैं। नहीं नहीं खैर चलो, अभी पता लगेगा, उसको बुलवाया फॉरेस्ट अफसर ने मैंने। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा आया। मैं जंगल का अधिकारी हूँ, शक्ल से भिखारी हूँ, जानवरों का आभारी हूँ। पीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे तू अफसर लग रहा है, तू कभी हो रहा है कहीं? खैर भाई ऐसा है, मन ने एक बात बता कि थारे जंगल में भेड़िया है? जी है।
Yes! मतलब तैने भेड़िया देखा है? जी देखा है। आदमी भेड़िया है? जी हाँ बिल्कुल आदमी भेड़िया है। Yes, yes, yes. मतलब तैने आदमी भेड़िया देखा है? बिल्कुल रोज देखता हूँ, सुबह शाम देखता हूँ, बीबी याद आती है शेरनी देखकर। सुन लिया मैडम, इसने भी कह दिया कि इसके जंगल में एक आदमी है जिसका मुंह भेड़िए जैसा है। मुंह नहीं नाम भेड़िया है। Well, what the Yuda mean is the उत्तर प्रदेश में है, चीन is the। नहीं 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 दादाजी, मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी है जिसका कि नाम भेड़िया भटनागर है, यानी कि वो स्वयं मैं हूँ। मेरा नाम भेड़िया भटनागर है, बीवी याद आती है शेरनी देखकर। अबे नाम की बात ना कर रहे हैं हम लोग, एक आदमी है तुम्हारे जंगल में जिसका मुंह भेड़िए जैसा है। हाँ, क्या मैडम, मैं इतनी साल से जंगल में नौकरी कर रहा हूँ पर मैंने आज तक तो कोई ऐसा भेड़िया मानव अपने अलावा नहीं देखा। अरे लेकिन हमने देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपनी ओरिजिनल पर्सनल रियल आंखों से देखा है, अच्छे अच्छे आंखों से देखा है, हमने भेड़िया मानव देखा है हमने। इसके हिसाब से जंगल में कोई वुल्फ मैन ना है। yes. पर तुम तीनों ने देख लिया है। yes, yes, yes. इब तो तुम्हारे इलाके में मन ने खुद आना होगा आज रात। अबे वो तो कॉलोनी बिल्कुल जंगल से सटी हुई है और जंगल भी इतना बड़ा और गहरा, अब इसमें कहाँ ढूंढूं उस भेड़िया मानव ने। अरे बाप रे, भेड़िया बचा! अरे बचा, बचा! अरे भेड़िया को ले गया! अरे भेड़िया बचाओ! अरे बचाओ, कोई है क्या? अरे भेड़िया है, भेड़िया! अरे बाप रे, अरे बचाओ! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.